बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैर ऑफिस होंगे। आज हम बात करेंगे पेंशनर्स के हवाले से, पेंशनर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उसके बारे में। आपको 18 जून 2023 की यह खबर है जंग न्यूज़ में, जिसकी हेडिंग है कि रेलवे पेंशनर्स का असम्बली में आवाज़ उठाने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज का खैर मकदम। रावलपिंडी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान रेलवे पेंशन एसोसिएशन औरंगजेब तनवली ने कहा है कि तमाम जुमला अहदेदारान और मेंबरान की तरफ से कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तलाफ राजा रियाज का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने महंगाई के सताए हुए रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में इजाफा के लिए कौमी असम्बली में अपनी आवाज़ बुलंद की। अपने जारी करदा बयान में औरंगजेब तनवली ने कहा कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की स्कूल फीसें, किचन के अखराजात और बीमारियों से लड़ने के लिए मेडिसिन खरीदने की सकत खो चुके हैं। रेलवे समेत तमाम रिटायर्ड पेंशनर्स राजा रियाज से तवक्के रखते हैं कि जिस तरह कलील पेंशन में इजाफा के लिए उनकी आवाज़ पूरी असम्बली में गूंजी, वैसे ही कभी उम्मीद है कि सर्वस से रिटायर्ड बूढ़े पेंशनर्स माओं बहनों और यतीम बच्चों की पेंशन में इजाफा के लिए असम्बली में उनकी जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आल पाकिस्तान रेलवे पेंशन एसोसिएशन और दीगर तनजीमों की जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनकी पेंशन में तनख्वाहों के मुसावी इजाफा नहीं हो जाता। इन्होंने वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार से अपील की कि महंगाई के तनासब से पेंशनों में तनख्वाहों के बराबर इजाफा किए जाए, जबकि पुराने पेंशनर्स जिनकी बेसिक इंतहाई कम है उनकी तनख्वाहों में भी मौजूदा जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है उसके मुताबिक इजाफा किया जाए। ये थी लेटेस्ट अपडेट्स। एक्स्ट्रा पैकेज जिनकी बेसिक इंतहाई काम है उनके लिए एक्स्ट्रा पैकेज भी दिया जाए। ये लेटेस्ट अपडेट्स तमाम पेंशनर्स के लिए। रेलवे पेंशनर्स ने इसको सराहा है क्योंकि राजा रियाज ने आवाज़ उठाई है ताकि पेंशनों में भी जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा हुआ है, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफा हुआ जो कि नहायत कम है, तो पेंशनर्स की पेंशन में भी 35% इजाफा किया जाए और ओल्ड एज पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से ये वीडियो है। तो इस न्यूज़ का टाइटल है पेंशनों में इजाफा 35% और ओल्ड एज पेंशन 25,000 करने का मुतालबा। इस्लामाबाद आल पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद कायम अब्बास ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार से मुतालबा किया है कि सरकारी पेंशनर्स की पेंशन में भी 35% के हिसाब से इजाफा किया जाए और EOBI एम्प्लॉज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन पेंशनर्स की कम अज़ कम पेंशन 25,000 की जाए, क्योंकि इनकी मिनिमम जो पेंशन थी वो 8,500 थी, अब बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है, कर दी गई है जो कि नहायत काम है। 1500 का इजाफा किया गया है जस्ट। इन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को 2 मरतबा डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा चुका, 1 जुलाई और 1 दिसंबर को सालाना इंक्रीमेंट की सूरत में तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। 1 जुलाई से तनख्वाहों में 30% और 35% इजाफा किया गया, लेकिन पेंशनर्स को सिर्फ 17.5% देकर तनख्वाह दिया गया। EOBI पेंशनों में इजाफा महंगाई के तनासब से होना चाहिए। इन्होंने कहा कि माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि पेंशनों और तनख्वाहों में कोई इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया हो। बढ़ती महंगाई से सभी यकसा मुतासर हैं, लेकिन अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और 30%, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ 17.5% इजाफा किया गया है जो कि नहायत कम है। ईद उल अज़हा से कबल EOBI पेंशन दी जाए पेंशनर्स फॉर्म। बदतरीन महंगाई में 8,500 की कलील पेंशन में गुजारा, इलाज व मुआलजा मुमकिन नहीं। कराची EOBI के पेंशन याफ्तगान की कुल पाकिस्तान तंजीम EOBI पेंशन फॉर्म ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुतालबा किया है कि महंगाई के बदतरीन दौर में 8,500 रुपये की कलील पेंशन से मियाँ बीवी का बाइज़त गुजारा और इलाज व मुआलजा नामुमकिन है, इसलिए ईद उल अज़हा पर अजाफी पेंशन बतौर ईद बोनस दी जाए ताकि पेंशनर्स भी ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के EOBI पेंशनर्स की नुमाइंदा तंजीम
ईओबीआई पेंशन फॉर्म ने मुतालबा किया है कि इजाफी पेंशन सरकारी पेंशनर्स की तरह कबल अज़ ईद 23 जून तक अदा की जाए। दरी इसना ईओबीआई पेंशनर्स की नुमाइंदा तंजीम ईओबीआई पेंशन फॉर्म ने मुल्क भर में मौजूद इंसानी हकूक की तंजीमों इदारों के नाम खुले खत में निशानदेही की है कि ईओबीआई पेंशनर्स बदतरीन महंगाई का माहाना 8,500 रुपये में मुकाबला कर रहे थे, जिसे बढ़ाकर 10,000 किया गया है, जो नाकाफ़ी है। यह है लेटेस्ट अपडेट्स ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन के हवाले से। बतौर पेंशन बतौर ईद बोनस दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।